हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। फिल्म अभिनेता आमिर खान का तुर्की जाना और वहां पर तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात करना भारत में कई लोगों को अच्छा नहीं लगा है और वो लोग आमिर खान पर निशाना साध रहे हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी। सर, आमिर खान एक फिल्म उनकी आ रही है, उसकी शूटिंग के लिए तुर्की पहुंचे हुए हैं और उन्होंने वहां के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें खुद राष्ट्रपति महोदय की पत्नी ने शेयर की। इसको लेकर के जो है वो राजनीति शुरू हो गई है और आमिर खान निशाने पर हैं तमाम संगठनों के लोगों के, और आमिर खान की निंदा की जा रही है उनके इस कदम को लेकर के। आप क्या रुख रखते हैं? देखिए, जो कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको हर बात पे एतराज होता है, जहाँ तक है टर्की से हमारे देश का संबंध है, हमारा उनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध आज भी कायम है। बिल्कुल, अगर ऐसी कोई बात है तो भारत सरकार को अपने डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर देना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक आमिर खान का सवाल है, उनकी राष्ट्रीयता पर, देशभक्ति पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने मंगल पांडे जैसी फिल्म बनाई जो देशभक्ति पर आधारित थी और हमेशा उन्होंने देशभक्ति की बात की है। और ये जो कुछ लोग हैं जिनका जो कहा जाए कि उनकी जहनियत एक प्रकार से उनकी सोच बहुत संकीर्ण हो चुकी है, वो हर चीज़ को संकीर्ण आईने से देखते हैं और यही वजह है कि इस तरह की बातें की जा रही हैं आमिर खान के बारे में। अगर भारत सरकार को टर्की से अगर कोई शिकायत है तो वो डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत होगी, लेकिन उसके लिए उस मुल्क में कोई जाने से रुकावट तो नहीं की है। भारत सरकार अगर ये कह दे कि हाँ वहाँ नहीं जाना है भारतीयों को और उसके बाद वो जाते हैं तो यकीनन ये ऑब्जेक्शनेबल था, लेकिन जब हमारा उनका आने जाने का सिलसिला जारी है और एक कल्चर ट्रूप लेके वो वहाँ गए हैं और वहाँ के जो भारतीय दूतावास है वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है, और ये कुछ लोग यहाँ बैठकर निंदा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए उनका नाम आमिर खान है। लेकिन सर, उसी में मैं आखिरी पूछना चाहूँगा कि जो लोग उनकी निंदा कर रहे हैं वो उनका तर्क ये है कि तुर्की का जो स्टैंड रहा है पिछले कुछ दिनों में, खासतौर पर कश्मीर हो, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना हो, ऐसे में एक नेशनल आइकन जो आमिर खान हैं उनको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था कि तुर्की का पिछले दिनों में क्या स्टैंड रहा है और उनके जाने से किस तरीके से लिया जाएगा। तो लोगों का एक ये तर्क भी है जो उनको इस तर्क में कोई जवाब इसका नहीं है। अब आप कुछ भी बहाना लगा सकते हैं, ठीक है, हर कंट्री का हर इशू में वो आपके साथ खड़ा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब तक आपका उस मुल्क के साथ एक डिप्लोमेटिक रिश्ता बना हुआ है तब तक वहाँ जाने पर कोई रुकावट नहीं। और व्यापारिक और कल्चरल रिश्ता भी तो है ही, वो अपनी जगह पर है। बिल्कुल सर, आज भी वो कायम है हर तरह से। ठीक है, एक स्टैंड टर्की ने लिया तो बहुत सारे मुल्कों ने लिया है अपने अपने ढंग से, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनके साथ हमेशा के लिए संबंध तोड़ लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बड़ा सवाल तारिक अनवर पूछ रहे हैं कि आमिर खान का विरोध का इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका नाम आमिर खान है, और कह रहे हैं तारिक अनवर कि आमिर खान वो शख्स हैं जिन्होंने कि मंगल पांडे जैसी फिल्म बनाई और उनकी देशभक्ति को सवाल करना जो है वो कुछ लोगों की तरफ से जो किया जा रहा है ये पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि तुर्की के साथ भारत के राजनयिक रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं, कल्चरल रिश्ते हैं, और सबसे बड़ी बात कि तुर्की में जो भारत के एम्बेसडर हैं उन्होंने इस मुलाकात को सराहा है। तो जाहिर है देश में जो आमिर खान की निंदा हो रही है उसके खिलाफ तारिक अनवर ने अपना रुख साफ किया है और साफ तौर पर कहा है कि आमिर खान की देशभक्ति पर सवाल उठाना बेहद आपत्तिजनक है। कैमरामैन डीसी मंजू के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।